उसमें आने वाले कुछ नए नए शब्दों को भी सीखेंगे। इस कहानी में दो बच्चे रहते हैं, एकलव्य और एकता। एकलव्य एकता दोनों भाई बहन रहते हैं। इनकी दादी एकादशी को एकदंत अर्थात गणेश जी की पूजा करती और मोदक का प्रसाद चढ़ाती है। एक दिन एकता और एकलव्य एक बाग में घूमने जाते हैं और वहां देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। वो सोचते हैं कि माली से हम पूछते हैं कि उन्होंने ये इतने सुंदर सुंदर फूल कैसे उगाए हैं। वो माली काका के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि माली काका एकांत में अर्थात एक कोने में अकेले उदास बैठे हुए हैं। एकता माली काका के पास जाकर पूछती है, माली काका आप उदास क्यों बैठे हैं और आपने इतने सुंदर सुंदर और इतने बड़े बड़े फूल कैसे उगाए हैं। माली काका एकदम गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत से इन फूलों को उगाता हूँ और न जाने कौन कौन आकर इन्हें तोड़ देता है और मेरी सारी मेहनत को खराब कर देता है। ऐसा कहकर माली काका चले जाते हैं। जाते जाते अचानक उनकी एड़ी में कांटा चुभ जाता है। तभी एकता और एकलव्य दोनों दौड़कर उनके पास आते हैं और एकता उनकी एड़ी में से कांटे को बड़ी सावधानी से निकालती है और पास ही में एलोवेरा के पौधे में से उसका जेल निकालकर उनकी एड़ी पर लेप करती है। इससे माली काका की एड़ी में के दर्द में उन्हें आराम मिलता है। माली काका को और माली काका से कहती है, माली काका हमें हमारी दादी ने सिखाया है कि हमें फूल पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनमें पानी देना चाहिए। हमें तो यहाँ पर घूमने आए थे, हम लोग इन्हें तोड़ने नहीं आए थे। तभी माली काका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोचते हैं मैंने बेकार में ही इन बच्चों को डांट दिया। फिर माली काका एकता से कहते हैं कि बेटा यह बगीचा ही मेरी कमाई का एकमात्र साधन है। तभी एकता को एक उपाय आता है। वह एक तख्ती यानी बोर्ड पर यहाँ फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ने वाले को सजा मिलेगी, ऐसा लिखकर वहां पर लगा देती है और एकलव्य और एकता मिलकर पूरे बगीचे की सफाई करते हैं। अब वहां पर सिर्फ घूमने आते हैं, फूल पत्ती को कोई नहीं तोड़ता। इस तरह वह बगीचा अब हमेशा हरा भरा रहता है। यह देखकर मालिका का बहुत खुश होते हैं और दोनों बच्चों को धन्यवाद देते हैं और उपहार स्वरूप एक तारा भी देते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें भी कभी भी पेड़ पौधों फूल पत्तियों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनमें पानी देना चाहिए और उनका हरियाली को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और साथ ही में हमने ए से बनने वाले अनेक शब्दों को सीखा। अब हम इन्हें एक बार दोहराएंगे। ए एकलव्य, ए एकता, ए एकादशी, ए एक दंत, ए एक